सभी को जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं उदयपुर, लोकल उदयपुर घूमने। अभी शायद टेंपल जाएंगे, जगदीश टेंपल सबसे पहले जाएंगे क्योंकि अभी नहाए धोए हैं तो उधर ही पहले जाना सही है, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ये लाइटिंग का थोड़ा इशू है, चलो कोई नहीं, सीधा आपको वहाँ दिखाते हैं। नाश्ता वाश्ता सो वो सब लिया और बाकी और भी कहानियाँ कल के आपको बाद में सुनाएंगे, फिलहाल लेट हो रहे हैं तो जल्दी से चलते हैं। हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के अंदर और सिटी पैलेस भी देख लेते हैं। मैंने पहले देखा हुआ है और आशीष भैया का भी देखा हुआ है, बट बिट्टू भैया का देखा हुआ नहीं था, तो हमने सोचा कि चली आते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को भी, तो दिखाना ही है। बाकी दिखाता हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलिए देखिए आगे, देखिए मैं भी इतनी भीड़ में बोल तो पाऊँगा नहीं, खाली एरिया था इसलिए इतना बोल लिया। चलिए देखते हैं।
सिटी पैलेस घूमने के बाद अभी हम आए हैं कौन सी घाटे है ये अभी बताएंगे। एक सेकंड, मुझे पता और नहीं होता है, बाकी आपको मैं अभी सिनेमैटिक सब दिखाता हूँ। और आशीष भैया, क्या नाम था जगह का, जगह का नाम क्या था? गणगौर घाट। और एक और घाट बताई थी ना आपने, अमराई घाट। तो ये गणगौर घाट है, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे शायद बोटिंग अब बंद हो चुकी है। हम थोड़ा लेट हो गए थे, निकले ही लेट थे तो लेट तो होना ही था। बाकी यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे मतलब बैठ के चिल करो आराम से, है ना, कितना मजा नहीं आया चिल करने में। चिल करने के लिए बनाया होगा। बाकी सनसेट भी हो रहा है पर उधर बिल्डिंग से तो इतना अच्छा दिखेगा नहीं, बाकी जो भी छोटा मोटा दिखेगा मैं दिखाता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं पिचोला, एक बार यहाँ का व्यू देख लीजिए। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया ये पिचोला का व्यू है और अभी हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं। हमको लगा था कि बोटिंग बंद हो चुकी है बट ऐसा नहीं है, बोटिंग अभी भी चालू है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। सुनने में आया था 5 बजे बंद हो जाती है और अभी टाइम 6 हो रहा है, 1 घंटा है वैसे लेट हम, पर फिर भी बोटिंग हो रही है तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी बोटिंग करने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या व्यूज़ आते हैं, क्योंकि पानी में जाने का अपना अलग ही मज़ा है। तो चलिए चलते हैं, चले बिट्टू यार, वो गेट खुल गया यार, चलते आ जाओ। और यश भैया बताओ क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया है, उधर कैमरा में देख के बोला क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। और कैसा चल रहा है सब कुछ? एकदम बढ़िया, सब बीवी बच्चे सब ठीक? बीवी ठीक है, बच्चों को नहीं पता। बीवी ठीक है, बच्चों का नहीं पता। आप बोलो, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, जा सॉरी जाओ, जाओ अंकल देख रहे हैं यार, भाड़ में जाओ। हमारी जिंदगी मजाक बन चुकी है। आई लव यू मजाक। अंकल जी मजे ले गए यार। बाकी देखते हैं खाने का क्या होता है, अभी एक छोटा मोटा तो खा रहे हैं, शायद इसी से पेट भर जाएगा। नहीं खाना खाएंगे। मुझे खराब हो रही है यार, एक तो चलो कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। तो स्टार्टर खा के हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, मीरा रेस्टोरेंट नाम है इस रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे हम आ गए हैं डिनर करने और अभी डिनर करेंगे। बाकी आशीष भी अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या खाएं।
और हमारे दोनों लोग आगे बैठे हैं, इनको तो क्या ही दिखाऊंगा। तो ठीक है, अभी खाना खा लेते हैं, दिखाते हैं, खाना भी दिखाते हैं, ब्लॉग बाद में एंड करेंगे। बाद में कुछ बातें बतानी है वो बताता हूँ, पहले खाना खा लेते हैं। आई एम वेटिंग, खाना जल्दी आ जाए। ये आ चुकी है पनीर की सब्जी, ये आ चुकी है आलू पालक, ये अपना लच्छा पराठा और नान, और अभी स्वीट लस्सी आ रही है, तो फटाफट खा के फिर मिलते हैं। एक बात बताता हूँ कि सुबह जब बिट्टू भैया यहाँ पे, मतलब सुबह नहीं, कल रात को आई थिंक 1-2 बजे के आसपास बिट्टू भैया और ये सब बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। तो जो जूनियर्स थे वो पार्टी कर रहे थे, शायद जो न्यू ईयर है उसकी कर रहे होंगे। हम तो न्यू ईयर मनाते नहीं हैं यार, अंग्रेजी नया साल मनाते नहीं हैं। वो लोग पार्टी कर रहे थे, तो आया, शायद दारू पी रखी थी उसने, नशे में था। तो बिट्टू भैया और हम सभी आए खड़े थे, तो बिट्टू भैया के पास क्या था, कौन हो, मतलब ऐसे दादागिरी से उसने कहा कि कौन लोग भाई। तो बिट्टू भैया ने बोला, है कौन? तो वो बोलता है कि कौन से बैच से हो? तो बिट्टू भैया ने बोला कि फाइनल ईयर। तो जिस दादागिरी में बोल रहा था ना, उसी समय उसके हाथ पीछे हो गए, जी बॉस, क्योंकि हम बॉस करके बुलाते हैं ना सीनियर्स को। तो ये एकदम से जो स्विच हुआ ना, वो बहुत ही फनी सीन था। अगर वो रिकॉर्ड होता तो कितना ही मज़ा आ जाता। मैं तो मतलब बता रहा हूँ, तो शायद आपको, आप इमेजिन कर पा रहे हो ये बात। बहुत ही अच्छा सा मतलब मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल का एक और इंसिडेंट, ये छोटा सा हुआ, ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता लग जाएगा मेरा नया व्लॉग आ गया है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ के लिए वो घंटी वाले को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।